वेज मोमोज, क्या बात है। नमस्कार, फूड एंड मूड में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे वेज मोमोज। ये हमारे पास कैरेट है, कैबेज है, अनियन है, जिंजर है, गार्लिक है, और ये हमने थोड़ा सा इसमें मेल्ट घी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब करना क्या है, आप लोगों ने एक चॉपिंग बोर्ड लेना है और इसको, इन सभी वेजिटेबल्स को फाइन चॉप कर लेना है, या अगर फाइन चॉप नहीं होते हैं आपसे तो आप इसको कद्दूकस कर लें, ग्रेट कर लें अच्छे से, बिल्कुल बारीक वाले से। ये हमारे पास में रेडी है सारा इंग्रेडिएंट जो हमने फाइन चॉप किए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम इनको एक बॉल लेंगे, एक बॉल लेने के बाद में सब में सबको बॉल के अंदर ऐड कर देंगे, देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको रिक्वायर्ड हो, सपोज़ करो आपके घर में 2 मेंबर हैं 3 मेंबर हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्या कहते हैं, जो हमारा इंग्रेडिएंट हैं, जो वेजिटेबल्स जो हमने कट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पे अपना मिक्सचर बना सकते हो मोमोज का। तो ये हमने उस तरीके से हम इसमें डाल रहे हैं, आप देख लीजिए। तो लास्ट में हमने जिंजर और गार्लिक का जो हमने फाइन चॉप किया या कद्दूकस किया है, वो इस तरीके से डाल के एक बॉल के अंदर रख लेते हैं, आप देख लीजिए। ये हमने बिल्कुल अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट डाल लिए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार गाइस, आप मार्केट से जो मोमोज खाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे स्पाइस से बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही है कि कुछ सोया जो होती है उनको ऐड करके बना देते हैं और इसको सबको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो स्ट्रीट फूड वाले हैं, अलग अलग जो बाहर जो ठेले लगाते हैं लोग, वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। बट जो ये बेसिक तरीका जो है, मैं जो अपने चैनल पे आप लोग बार बार बोलता हूँ कि मैं बेसिक रेसिपीज़ दिखाता हूँ आपको, बनाता हूँ, तो ये बिल्कुल बेसिक है। और अगर इस तरीके से हम घर पर बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो कर दिया ऐड, देख लीजिए। तो अजीनोमोटो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, अजीनोमोटो जो है आपका फ्लेवर जनरेट करता है और इसमें बहुत अच्छा लाइक चाइनीज़ का जो हमारी डिशेज होते हैं उसमें वो आता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया, देख लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया था। घी से क्या है कि आपके जो ये मिक्सचर है बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और इसमें जो एक यूनिक सा टेस्ट आएगा आपका, फ्लेवर अच्छा जनरेट होगा। और फिर उसके बाद में हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में हम इसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और अब मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे हमने मैदा ले लिया जिसका हमने डो बनाना है, आप देख लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, कुछ लोग हैं ना जो ये पेस्ट बनाते हैं उसको सोते भी करते हैं, ऑयल डाल के सोते कर लेते हैं, हाफ डन कर लेते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए। ये हमारा डो बन गया, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मतलब एक तरह का जो टेक्स्चर होगा वो इस तरीके का होना चाहिए आपका। और उसके बाद में आप इसमें छोटे छोटे से आप इसमें रोल्स बना सकते हो, गोले जो होते हैं, पेड़े जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बनाने, ताकि आपका जो मोमोज का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल अच्छा आए, आप देख लीजिए। ये हमने छोटे छोटे रोल्स बना लिए। अब करना क्या है, आपने एक चकला लेना है और चकले के ऊपर उसको थोड़ा सा डस्ट करके इस रोल को हल्के हल्के छोटे छोटे आपने बेलने, आप देख लीजिए अच्छे से। शेप इनकी सभी की इक्वल होनी चाहिए, अगर सबकी शेप इक्वल नहीं आती है तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपके घर में कोई रिंग होगी छोटी सी, या आपके घर में कप है या छोटी कटोरी है, तो जितनी आप रोल्स करते हो उसको, क्या कहते हैं अपने मोमोज के जो इसको डो को, तो उसको आप रोल करने के बाद में उस कटोरी से या उस कप से उसको गोल साइज़ दे सकते हो, और उस तरीके से आपका जो मोमोज का जो ये आपका जो रोटी है या जो आपका ये बेस है ये अच्छे से बन जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हम लोग ये मोमोज़ का है ये बिल्कुल हम क्या कहते हैं विदाउट सोते बना रहे हैं, क्योंकि हम इसको स्टीम के जरिए हम वेजिटेबल्स को अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग रहने लगेंगे और उसका टेस्ट अच्छा आएगा उस। तो इस तरीके से हमारे ये सारे मोमोज़ का जो टेक्स्चर है वो बन जाएगा, आप देख लीजिए। जो पेड़े हैं बिल्कुल ये इतने पतले भी होने चाहिए, जो ज़्यादा मोटे भी नहीं हो, और इस तरीके से आपका देख सकते हैं। अब हम इसको एक एक लेके उसकी जो मोमोज की हमारी फीलिंग है उसको हम ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, बाकी मोमोज बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है,
और सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल ये है कि जैसे घर में अगर लेडीज़ को आपने देखा होगा जो साड़ी फोल्ड करते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उस तरीके से आप फोल्ड करें और वन साइड से पूरा का पूरा उसको एक हाथ से होल्ड करके और इस तरीके से आप क्या कहते हैं मोमोज का शेप दे सकते हैं। आप देख लीजिए, मैंने ये वीडियो जो है स्लो मोशन में बनाई है आप के लिए ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर पाएँ कि किस तरीके से हम इसको मोमोज को फोल्ड करें ताकि जो हमारा जो बाहर शॉप पे जो हमारे मोमोज मिलते हैं उसके जैसे टेक्सचर हम अपने घर में बना सकें। आप देख लीजिए, मैं एक बार दोबारा से इस वीडियो को क्या कहते हैं कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से पता लग जाए कि मोमोज की जो शेप है, क्योंकि मेन जो है यार मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मेन जो है मोमोज की शेप है। अलग अलग शेप में हर कोई बना लेते हैं पर जो दुकान वाली शेप जो देता है और अगर घर में ही वो शेप मिल जाए तो साफ़ सफाई से बनेगा पहला स्टेप, दूसरा आपके जो आपके सामने बनेगी चीज़ें और उसको खाने का ही अलग अंदाज़ा होगा और आपको पता होगा कि यार हमारे लिए ये खाना हेल्दी है क्योंकि बाहर के जो बनाते हैं कुछ लोग अच्छा बनाते हैं। मैंने जैसे कि पहले आपको वीडियो में बताया था कि लोहगढ़ रोड पे ये दुकान है जो बहुत अच्छे सफाई से बनाते हैं, अच्छा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, अच्छी अच्छे जो आपकी शॉप हैं उनकी सफाइयाँ भी अच्छे अच्छे से नहीं होती है तो ये इस तरीके से ये अच्छी सफाइयाँ करके इस तरीके से बनाते हैं तो आप देख सकते हैं। और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि आप जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगा ये रेसिपी मेरी और किस तरीके से आप आगे मेरे साथ में एक और कोई रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए। तो इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं, आप देख लीजिए बिल्कुल ये जो दुकान पर मिलते हैं सेम उस तरीके से बिल्कुल बन चुके हैं। और आपको अगर घर में ही ऐसी चीज़ मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है। तो हमने एक स्टीमर ले लिया, स्टीमर में हम इसको रख लेते हैं, नीचे हल्का सा आपने पानी लेना है और उसको बॉईल करना है, ऊपर उसके बाद में इसको रखने के बाद मोमोज को ऊपर से कवर कर देना, कवर करने के बाद आपका जो स्टीम हो जाएगा। और अगर आप किसी के पास में घर पे स्टीमर नहीं है तो आप कोई प्लेट ले लें उसमें छोटे छोटे होल्स कर लें और नीचे पानी डाल के ऊपर से उसको कवर कर दें, इस तरीके से बना सकते हैं। अब बात आती है प्लेटिंग की कि अगर घर में आप अच्छी प्लेटिंग के साथ में दे सकते हैं तो इस तरीके से आपका क्या कहते हैं प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही है, राधे राधे और मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही है, राधे राधे।